असलकुम हमारी और हमारी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हमारी ईद बहुत अच्छे से गुजरी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और आप लोगों की भी बहुत अच्छे से गुजरी होगी इंशाल्लाह सभी की ईद बहुत अच्छे से हुई है और हमारे यहाँ पर मुंबई में तो बारिश बहुत ज़्यादा है थोड़ी सी मतलब नमाज के बाद ईद की नमाज़ के बाद थोड़ी सी बारिश रुक गई थी उसके बाद फिर लगातार बारिश यहाँ पर चालू है थोड़ी सी रुकती है फिर मतलब लगातार चालू है बारिश तो बहुत मतलब उधर गाँव में बहुत जगह पर बारिश नहीं है लेकिन मुंबई में तो बारिश चालू ही है बहुत ज़्यादा बारिश है और ये दस्तरखान का जो वीडियो आप लोग देख रहे हो तो ये दो दिन रोज़ इफ्तार का दस्तरखान है फ्रेंड्स और यहाँ पर ईद वाली है वीडियो है क्योंकि ईद वाले दिन फटाफट से दूध लेकर आए थे हमारे हस्बैंड ने जल्दी उठ गए थे सब नमाज़ जल्दी होती है ईद की तो फिर सब लोग जल्दी उठ के नहा नहा भी के नमाज़ के लिए जाना रहता है तो बहुत जल्दी से उठ गए तो यहाँ पर शिर खरने के लिए दूध आया था तो फिर हम लोग ने फटाफट से यहाँ पर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है चाय बना दी है जल्दी जल्दी काम करने होते हैं ना ये ईद की नमाज़ बहुत जल्दी होती है इसके लिए तो हमने फटाफट से दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया चाय भी बना दी सब लोग के लिए फिर जल्दी जल्दी बच्चे लोगों ने नहाए हस्बैंड ने भी नहाए फिर हमने यहाँ पर दूध गर्म कर लिया है दो लीटर का ही हमने यहाँ पर शिर खुरमा बनाया था फ्रेंड्स तो ये दो ही लीटर का है फटाफट से काम करने होते हैं सब कुछ काम तो पहले से ही हमने करके रख दिया था लेकिन गुलगुले वो हम बनाते हैं तो जल्दी जल्दी करना होता है फिर बिरयानी भी हमें बनानी थी तो फटाफट से हमने शिर खुरमा बना दिया है सब लोग को चाय दे दी है और ये देख लीजिए दो ही लीटर कप बनाया था बहुत अच्छा बना था माशाल्लाह आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ था तो ये शुरू खुरमा बनाया था हमने जल्दी जल्दी फिर नमाज़ से आने के बाद हमारे जेठ देवर आए तो फिर उन लोग के लिए हमने गुल गुले शुरू खरमा दिया है फटाफट से गोश लेकर आए थे तो कुर्बानी जल्दी होती है ना तो जल्दी भी आ जाता है गोश्त और तीन दिन तो मतलब लगातार कुरबानियाँ होती रहती तो तीन दिन गोश्त आता है फ्रेंड्स और बहुत अच्छा आता है माशाल्लाह इस बार बहुत ज़्यादा आया है और हमारा हिस्सा गांव में होता है हम गांव में रखते हैं हर साल हम गांव में रखते हैं और ये देख लीजिए फिर इस तरह से हमने शिरखुरमा बनाया फटाफट मेहमान आते रहते हैं ना मिलने के लिए कोई आते रहता है तो फटाफट उनके सामने देने के लिए फटाफट से बनाना होता है फ्रेंड्स क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना कि ये सब चीज़ें बनी हुई नहीं रहती और कोई आता है तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है तो इसके लिए हम जल्दी उठकर फिर फटाफट बना देते हैं तो हमारे देवर भी बहुत जल्दी से आ जाते हैं तो फिर हमने शीर खुरमा बना दिया है फिर गुलगुले यहाँ पर हम बना रहे थे देख सकते हो आप गुलगुले के बिना तो हमारी ईद अधूरी होती है हर ईद के ब्लॉग में आपको गुलगुले देखने मिलेंगे फ्रेंड्स क्योंकि मेहमान आते हैं तो उनके सामने फिर शीर खुरमा और गुलगुले हम फटाफट से सर्व करते हैं बिरयानी वगैरह बनने के लिए तो फिर थोड़ा टाइम होता है क्योंकि ये थोड़ा बहुत खा लेते हैं नाश्ता कर लेते हैं चाय वगैरह बच्चे मैगी वगैरह खा लेते हैं उसका भी नाश्ता हो जाता है फिर गुलगुलिया शीर खुरमा ये पी लेते हैं तो थोड़ा बहुत खाना बनने तक ये नाश्ता हो जाता है फिर उसके बाद हम बिरयानी बनाने की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स लेकिन सुबह सुबह सब लोग मिलने के लिए आते हैं सलाम दुआ मिलने के लिए आते हैं ना तो उसके लिए ये सब हम फटाफट जल्दी उठ के फिर करने लग जाते हैं हम क्योंकि ये रात में बना के रख दोगे ना तो ये हमें अच्छा नहीं लगता है क्योंकि सुबह सुबह ये फ्राई करते तो ऐसा लगता है कि हाँ ईद है और हमें मतलब अच्छा लगता है क्योंकि ताज़े ताज़े बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे तो बासी होने के बाद भी बहुत अच्छे लगते हैं ये लेकिन हमें ताज़े ज़्यादा पसंद आते हैं ईद वाले दिन बासी बहुत अच्छे लगते हैं ये क्योंकि दो तीन दिन चलते हैं ये ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं लगते बासी होने के बाद भी बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन गर्मी ज़्यादा रहती है तो जब डर होता है ख़राब होने का फ्रिज में रखना होता है फिर फ्रिज से बाहर निकाल कर रखो खाने से पहले आधा घंटा ऐसा होता है इसके लिए ज़्यादा ही बनाते हैं हम क्योंकि अभी बारिश है ठंडा मौसम है तो दो तीन दिन ये आराम से चल जाएंगे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होगी हमें और हमें बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं ये ताज़े भी और बासी भी चाय के साथ में भी हम खाते हैं इसको शिरखुरमे में भी डुबा के इसको खाया जाता है बहुत अच्छे लगते हैं और यहाँ पर हम बना रहे थे पुलाव फटाफट से यहाँ पर हमने पुलाव की तैयारी कर ली है चिकन वगैरह सब कुछ हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है तो बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर हम खाना बना रहे थे क्योंकि फ़ोन भी बहुत सारे लोगों के आते भी है और करना भी होते हैं जितने भी रिश्तेदार होते हैं उन लोग को हमें भी करना होता है हमसे छोटे तो वो हमको करते हैं तो ये सिलसिला तो चलते रहता है सलाम दुआ का फिर बीच बीच में खाना बनाने का भी रहता है इसके लिए फटाफट से पहले हम खाना बना लेते हैं और फिर उसके बाद सलाम दुआ के लिए फ़ोन एक घंटा तो चालू ही रहता है एक घंटे तक मतलब फ़ोन आते भी रहते हैं और हमें भी करना होता है ईद वाले दिन दूसरे दिन मतलब बासी ईद तक, तक तो ये चलते ही रहता है ना सिलसिला सलाम दुआ का मिलने का फिर उसके बाद हम जेड के, के यहाँ पर जाते हैं हमारे जेठ जिठाने को मिलने के लिए जाते हैं फिर हमारे जेड भी आए थे गोश लेके ये ब्लॉग तो आपको बासी ईद को मिलेगा फ्रेंड्स और ये आज बासी ईद ही है तो वॉइस ओवर ईद के दिन करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला तो आज बासी ईद को हम वॉइस ओवर कर रहे हैं और आज ही वीडियो हम अपलोड कर देंगे तो जेठ हमारे गोश्त लेकर आए थे फिर बहुत टाइम तक बैठे हैं फिर इसके लिए वीडियो एडिट करने के लिए बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं मिला है फिर हम जिठाने के उधर चले गए मिलने के लिए सब लोग मिलने के लिए कोई ना कोई आते रहता है तो इसके लिए बिल्कुल भी वॉइस ओवर करने के लिए टाइम नहीं होता है फ्रेंड्स एडिट वग़ैरह करने के लिए बहुत थकान सी हो जाती है जल्दी उठते हैं ना तो बहुत काम होते हैं और ये देख लीजिए फटाफट से हमने पुलाव बना दिया है अब यहाँ पर हम इसको दम पे रख रहे हैं फटाफट ये इसको दम आ जाएगा दस मिनट के अंदर फिर खाना खाएंगे फिर उसके बाद नमाज़ के बाद हम हमारे जिठानी के यहाँ पर मिलने जाते हैं सब के यहाँ पर तो वीडियो शूट नहीं करते हैं फ्रेंड्स क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है तो जहाँ जहाँ जाते हैं मिलने के लिए तो उनके वीडियो तो शूट नहीं करते हैं फ्रेंड्स जहाँ मतलब मुमकिन होता है वहीं करते हैं तो ये देख लीजिए फटाफट से ये पुलाव हमारा तैयार हो चुका था ये देख लीजिए इतना मज़ेदार बनता है ना ये हम हमेशा बनाते झटपट वाला पुलाव अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल पे मिल जाएगी अगर आपको और भी देखना है तो इन बोलिए हम और आपके साथ ये रेसिपी बनाकर शेयर करके आपको दिखाएंगे इन बहुत अच्छे से बनती है फटाफट ये पुलाव बनकर तैयार हो जाता है इतना मज़ेदार लगता है फ्रेंड्स अगर आपको झटपट कुछ बनाना होना तो ये पुलाव हमारा आप ट्राई कर सकते हो और ट्राई करने के बाद कमेंट कीजिए कि आपका पुलाव ये कैसे बना है फ्रेंड्स इतना लाजवाब बनता है इतना मज़े का बनता है और बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाता है तो ईद वाले दिन तो फटाफट से हम ये बना लेते हैं रमज़ान में बिरयानी बनती है मसाले वाली लेकिन ईद पर तो फटाफट से बनाना होता है बहुत ज़्यादा काम होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी हमको करना होता है तो ये पुलाव आप हमारा ट्राई कर सकते हो रेसिपी हमारे चैनल पर आपको इसकी मिल जाएगी इन अगर आपको फिर से एक बार देखना हो तो आप बोलिए हम फिर से आपके साथ ही रेसिपी बनाकर शेयर करेंगे इन तो ये फटाफट से पुलाव हमारा हो, हो चुका था फिर हम खाना खाने के लिए बैठे फिर खाना होने के बाद नमाज़ वगैरह अदा की हमने जहर की और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा लेटे हैं क्योंकि जल्दी से उठे थे और फिर उसके बाद हम हमारे जेठ जेठाने के यहाँ पर मिलने के लिए जाते हैं तो ईद के दिन बिल्कुल भी वाइज और करने के लिए हमें वक्त नहीं मिला था फ्रेंड्स एंड यहाँ पर आप हमारा दस्तरखान देख सकते हो इस तरह से दस्तरखान लग लगता है हमारे यहाँ पर खाने का फिर सब खाने को इंजॉय करते हैं फिर उसके बाद शिर खुरमा गुलगुले जिसे भी खाना रहता है वो खा लेते हैं मेहमान के सामने भी इस तरह से सर्व किया जाता है तो इस तरह का दस्तरखान होता है माशा अलहमद आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है आप लोग क्या करते हो कैसे करते हो हमारे साथ ज़रूर से शेयर करना कमेंट में ज़रूर से बताना फ्रेंड्स सभी के यहाँ पर इस तरह से होता होगा इससे भी अच्छा करते हो आप लोग लेकिन हम तो इस तरह से करते हैं फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ईद होती है इस तरह से हमारा दस्तरखान लगता है अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है अलहमदल्ह बहुत अच्छे से ईद होती है सभी की होती है और आप लोग कैसे करते हो कैसा दस्तरखान लगाते हो क्या क्या करते हो ईद वाले दिन हमें ज़रूर बताना फ्रेंड्स आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है हम तो इस तरह से मनाते हैं इधर इस तरह से हमारा दस्तरखान लगता है फ्रेंड्स सब लोग का अलग अलग होता है ना खाना बनाने का तरीका सब सर्व करने का तरीक़ा सब अलग अलग होता है ना तो ज़रूर से बताना फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का सुनकर हमारे यहाँ पर तो गुलगुले के बिना तो ईद अधूरी होती है तो इसके लिए गुलगुले तो हमारे दस्तरखान पे आपको देखने मिलेगी ईद वाले दिन गुलगुले हमारे यहाँ पर तो बनते ही बनते हैं और सब मेहमान आते हैं ना तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं गुलगुले तो सब लोग आते हैं ना तो सब लोग हमारे यहाँ पर पहले गुलगुले को ही याद करते हैं कि आपने गुलगुले बनाए कि नहीं तो इसके लिए पहले से हम गुलगुले और शिरगरमा सामने रख देते हैं बस ऐसे ही हमारे यहाँ पर गाँव का ये हमारा तरीका है तो इस तरह से ही करते हैं फ्रेंड्स हम और शिर खुरमा तो इतना मज़े का बना था इतना झटपट हमने बनाया था पर बहुत मज़े का बना था इतना टेस्टी बना था बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था बार बार बच्चे लोग पीने के लिए मांग रहे थे बहुत टेस्टी बना था घाई घाई में कोई चीज़ हम बनाते हैं ना बहुत अच्छी बन जाती है और जब हम बहुत अच्छे से बनाते हैं तब थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है तो लेकिन जब घाई घाई बनाते हैं ना बहुत अच्छे से बन जाती है और ये शाम का मैगी का नाश्ता है क्योंकि बैठे बैठे या फिर ऐसे ही भूख लगी रहती है तो बिरयानी तो होती है लेकिन बच्चे लोग का होता है ना कुछ मन होता है खाने के लिए ऐसे गर्मा गर्म फटाफट से कुछ तो इसके लिए मैगी बेस्ट ऑप्शन है और बच्चे लोग की बहुत फेवरेट भी होती है मैगी आ, तो यहाँ पर सब मैगी को इन्जॉय कर रहे हैं और यहाँ पर हम गुलगुले को चाय के साथ में इन्जॉय करते हैं शिर खुर्मे के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं ये जैसे हम तो डुबो कर खाते हैं ना वैसे ही डुबो कर इसको खाया जाता है बहुत मजे के लगते हैं अगर आप लोगों ने ट्राई करके नहीं देखा होगा तो ज़रूर से ट्राई करके देखना फ्रेंड्स शिरखुर में, में भी बहुत टेस्टी लगते हैं ये और चाय में भी तो दोनों में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स हमें बहुत ज़्यादा पसंद है ना इसके लिए हम चाय के साथ इसको इन्जॉय कर रहे हैं आप लोग भी देखना फ्रेंड्स और ज़रूर से बताना आप लोग अगर करते होगे नहीं करते होगे तो एक बार करके देख लीजिए इसके साथ एंजॉय कर लीजिए चाय के साथ या फिर शिरकुरमे के साथ दोनों के साथ उसको डूबो कर खाया जाता है जैसे हम टोस्ट डूबो कर खाते हैं वैसे बहुत मज़े के लगते हैं फ्रेंड्स और ये हमारा चिंटू यहाँ पर बहुत खुश था ईद वाले दिन बहुत अच्छे से यहाँ पर बैठा था आप देख सकते हो मेहमान आते जाते रहते हैं ना उन्हें भी ऐसा लगता है कि आज इतने लोग क्यों आ रहे हैं तो ये लोग भी बिल्ली लोग भी हमारे देखते रहते हैं तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो तो यहीं तक का था आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ प्यार से लाइक कर दीजिएगा आपके फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिए बने रहिए जुड़े रहिए आपका प्यार दीजिए सपोर्ट दीजिए तो मिलते हैं बहुत जल्द इन शाला तब तक अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए हमें अपने दुआओं में याद रखिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का हैं दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया जजाक अल्लाह अल्लाह हाफिज़